जो ये मशीन लगाएगा वो महीने का कितना कमा सकता है? देखिए वो अगर लगाते हैं, देखिए ये मालूम उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है, मतलब ठीक है अगर चाहे तो महीना का 30,000, 40,000, 50,000 भी, लाखों भी कमा सकते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि बिहार की बेटी बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में झंडा गाड़ रही है। तो कहाँ कहाँ आपका ये माल सप्लाई होता है? देखिए मेरा ऐसे बोले तो ऑल ओवर इंडिया में, जैसे देखिए महाराष्ट्र क्या है कि एक बार में 10 से 12 पीस 15 पीस आप निकाल सकते हैं। एक बार में 12 से 15 पीस तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, तो इसका प्रोडक्ट ये कितना पीस आपका होगा? ये कम से कम 8-10-12 तो होगा ही, ये सब एक बार में बना सकती है। देखिए कैसे बनता है, तो ये बहुत अच्छा है और एक बार में लग गया। अब इसको हम डाउन कर दिए, डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है आपको डाउन हो गया, बस मतलब 10 से 5-10 सेकेंड मतलब 5-7 सेकेंड इसको छोड़ दीजिए। लगता है ये नहीं कि मतलब जेंट्स ही इसको चला सकते हैं, घर में जैसे लेडीज लोग हैं, ठीक है कोई भी हम लोग का गांव साइड से जहाँ भी होता है तो आदमी खाना वाना बना के लेडीज क्या होता है कि पूरा टाइम दोपहर तक पूरे फ्री रहती है, तो हम इधर उधर का बातें क्यों करें, दो जन से क्यों इधर उधर करें, अपना हम वर्क में लगेंगे। तो देखिए 2 रुपया आपको मिलेगा भी और प्लस मेरा वर्क भी होगा। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो छोटे से शुरुआत करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दी है और लोगों को भी लाखों कमाने का ऑफर दे रही है। हमारे साथ आरती जी हैं और ये महीने के लाखों कमा रही हैं, साथ ही साथ ये मेहनत करके खुद के दम पर आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना चुकी हैं। इनके पास काफ़ी सारे मशीन हैं, ये मशीन बनाती हैं और मशीन बना करके इसको बेचती हैं, और कैसे कैसे क्या क्या मशीन बनाती हैं इसके बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, नमस्ते। आप ये बताइए कि क्या क्या मशीन आप बनाती हैं? देखिए मेरे यहाँ आपका पेपर प्लेट मशीन है, और चौमिन का मशीन है, रुई बत्ती है, अगरबत्ती है, मतलब वो ऑल टाइप का मशीन है, मैंने 10-15 मतलब टाइप का आपका मशीन है। ये सारे मशीन आप मैन्युफैक्चरिंग? हाँ हाँ, मतलब देखिए बहुत सारा माल लीजिए पेपर प्लेट का है, चौमिन वगैरह का है, तो ये है। कोई कोई मशीन जैसे है जो अदर मान लीजिए कि ये नहीं होती है, लेकिन बाकी का मेरे पास होती है। अरे ये जो है रुई बनाने वाला मशीन, पेपर मशीन, उसके बाद कपूर बनाने, कपूर बनाने, अगरबत्ती का मशीन है, अगरबत्ती बनाने वाला मशीन, हाँ हाँ हाँ, और स्लीपर भी जो बनता है चप्पल आपका, वो सब है, सारी मशीन बनाने वाला मशीन आप बनाती हैं? एकदम एकदम। कहाँ कहाँ मशीन आप अपना बेचती हैं, कहाँ कहाँ सेलिंग आपका मशीन होता है? मशीन का बोलिए तो आपको ऑल ओवर इंडिया में मेरा मशीन जा रहा है, ठीक है, जैसे आपको मेरा महाराष्ट्र में मशीन गया है, आपको राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, MP है, तो आपका बस मतलब नेपाल, यहाँ सोचिए कि नेपाल तक मशीन मेरा गई है, और यूपी बिहार और लोकल तो छोड़ ही दीजिए, बंगाल में मान लीजिए कोलकाता में मैं हूँ, तो आपको कोलकाता में आपको जितना लोकल है वो सब चल रहा है, बट आपको यूपी बिहार सब लगा, आपको झारखंड में सबसे ज़्यादा मशीन मेरा गया है, गढ़वा है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, सारी मशीनें गई हुई है, बिहार में है आपका, भागलपुर में है, सारा मशीन मेरा हर जगह गया हुआ है। सोचिए कि पूरे भारत में जो है इनका मशीन सेलिंग होता है ना? जी 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 जी। ये मशीन के बारे में आप नहीं बताइए, कौन सा मशीन? क्रैंक मशीन है। क्रैंक मशीन है जी, हाँ वही आपका बनाता है पत्तल वगैरह? इसमें पत्तल बनाता है, ठीक है, लेकिन इसमें खाली बस ये क्या है कि मान लीजिए कि पत्तल होता है, देखते हैं टेबल पर बैठा कर हम लोग शादी वगैरह में खिलाते हैं, पत्तल ये यहाँ पर रखा हुआ, ये वाला क्या? हाँ देखिए आपको मतलब ये वाला तो आपको हार्ड हो गया, प्लस आपको मैं दिखाती हूँ जस्ट, ये वाला है, हाँ जैसे आपको दिख रही है पतला वाला है, तो ये पतला वाला आपको इसमें बनता है, लेकिन आपको ये बफेट वाला प्लेट है, तो ये इसमें आपको बफेट वाला नहीं होता है। कहाँ बनेगा वो वाला? आपको देखिए हाइड्रोलिक में सेमी ऑटोमेटिक इसमें बनेगा, और आपको हाइड्रोलिक मशीन एक ये है सबसे बेस्ट मशीन है, ऑल इन वन इसका नाम है, सबसे इसका बेस्ट है कि इसमें आप चाहिए तो नॉर्मल भी बनाइए, आपको चाहिए तो हार्ड वाला भी बनाइए, कोई भी डाई लगा के बनाइए, इसमें भाई कि रिंकल की डाई नहीं आपको चलेगी, लेकिन इसमें है कि रिंकल चलाइए, डायमंड चलाइए, प्लेन चलाइए, कोई भी डाई आप चला सकते हैं, सारा चीज बना सकते हैं। और प्लस इसमें क्या है कि इसमें डबल रोल का है, डबल स्टैंड है, तो रोल सिस्टम भी है, रोल भी चला सकते हैं। आपका एक मटेरियल आता है इसको सर्कल बोलते हैं, कटिंग वाला, ये देख रहे हैं ना, ये प्लेट ही बनता है इसका। याद आ रहा होगा आपको कि ये पहले गाँव में अगर आप भोज खाने जाते होंगे तो ऐसा ही आपको पत्तल मिलता था, यानी कि पत्ते का बना हुआ थाली, ये जो है आर्टिफिशियल है, इसमें ये जो बनेगा तो आपको बन करके बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जिसमें आपका दाल बाहर नहीं आने वाला है कि नहीं? हाँ हाँ, देखिए इसमें फ्लावर भी बना सकते हैं, सादा वाला बना सकते हैं, केला पत्ता जो ग्रीन आता है वो भी डिजाइन का बना, हाँ हाँ सारा डिजाइन आप बना। ये मशीन का कीमत कितना होता है? देखिए सब कोई मैंने अपना, कोई क्या बेचते हैं, कोई 90,000 बेच रहे हैं, कोई
85,000 85 बेच कितना में बेच रही है? देखिए मेरा मशीन का इसका प्राइस है 80,000 रुपए में ये मशीन बेचते हैं। हाँ, और कस्टमर के पास अगर भेजती है मशीन को तो 85 में 85,000 में ट्रांसपोर्ट जीएसटी कंपनी का रहता है, आपको मैं भेज देती हूँ वहाँ पे। आपका जो कंपनी है आप अपने कंपनी के अपने कंपनी से ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज देती हैं? जी हाँ। जो ग्राहक होते हैं उनका पैसा नहीं लगता? नहीं, उनका क्लाइंट जो होते हैं कस्टमर उनका कोई बैलेंस नहीं लगता है। ठीक है, ग्राहक अगर खरीदते हैं उनको चलाने नहीं आता है वो कैसे इसको लेकर जाएंगे? उनको लेके सर जाने का नहीं है, मतलब उनको लेके तो जाएंगे बट वहाँ पर टेक्नीशियन जाते हैं आपको मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, मशीन को इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद आपको ट्रेनिंग देंगे। जब तक उनको वो सर्टिफाइड ना हो जाए, समझ में ना आ जाए कि नहीं मतलब ये हम समझ गए हैं सीख गए हैं, तब तक वो संतुष्ट जब हो जाएंगे वो अपना टेक्नीशियन को वहाँ से छोड़ देंगे, फिर वो चले आएंगे। आप तो इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दी एक महिला होकर के, इतना सारा पैसा कमा भी रही हैं, जो ये मशीन लगाएगा वो महीने का कितना कमा सकता है? देखिए वो अगर लगाते हैं, देखिए ये मान लें उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है, मतलब ठीक है अगर चाहे तो महीना का 30,000 40,000 50,000 भी लाखों भी कमा सकते हैं। ठीक है, बट उनके ऊपर, अब मान लीजिए मशीन लगा के हम घर में रख देंगे तो उसे तो कुछ होगा नहीं कि मान लीजिए कि मेरे लाखों का कमा रहे हैं, बट इसमें है कि आपको मार्केटिंग जितना ज़्यादा होगा उतना मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे ये मशीन है आपको सेमी ऑटोमेटिक, सोचिए कि इसमें रोल लगाएंगे तो डबल मान लीजिए मेरा चलता है कोई भी मशीन को, इसमें आपको एक बार में 10 से 12 पीस आप निकाल लेंगे। 12 पीस अगर नॉर्मली 12 पीस भी निकालते हैं, 15 भी निकाल सकते हैं, बट 12 भी निकालते हैं तो आपको एक मिनट में 48 पीस निकालते हैं। मान लीजिए घंटे का आपको 2,800 हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसके हिसाब से आपको 10 घंटा अगर मशीन चलाते हैं, 8-10 घंटा तो नॉर्मली हम चलाएंगे ही चलाएंगे, 10 घंटा मशीन चलाते हैं तो आपको 28,000 चलाते हैं, मतलब प्लेट निकल जाएगा। हर प्लेट पर देखिए 20-25% का इसमें मार्जिन है, ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं हम बोल सकते हैं, बट उसमें क्या है कि हम 20% ना पकड़े, 10% बस पकड़े 10 पैसा, तो समझिए अगर पर डे के हिसाब से मेरा 28,000 हो रहा है, ठीक है, तो मेरा अगर पर डे का होगा तो 2,800 रुपये आपका पर डे हुआ, तो मान लीजिए कि हम उसको पे करेंगे उसके हिसाब से, आप समझ सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा खासा है, बट हमारे का हार्डवर्क करने पर है। क्या ये मशीन को महिलाएं भी चला सकती हैं? एकदम आराम से, ये नहीं है कि देखिए कोई भी वर्क को है तो जेंट्स लोग तो सब कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये ऐसी मशीन है कि इसको लेडीज जेंट्स बच्चे कोई भी चला सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा लेडीज़ को होता है, घर में मान लीजिए कि है खाना वाना बनाकर टाइम मिलता है तो इधर उधर कहीं क्या है बातें करना जो भी है, तो हम क्यों कहीं जाकर टाइम पास करेंगे, सबसे अच्छा है कि अपना मशीन लगा के अपना प्रोडक्शन करें, 2 रुपये हमारे पास आएगा भी, अपने हाथ में भी रहेगा, वो लोग को किसी का मोहताज भी नहीं रहेंगे एकदम। देखिए अब जेंट्स कोई भी हो, घर में फैमिली है तो मांगना पड़ता है कि 10 रुपये हमको चाहिए, बट वो अपना वर्क करके वो अपना 10 रुपये तो रख सकती है, उनके पास तो रहेगा ना। देखिए आज की महंगाई जो चल गया है, एक जेंट्स हो कोई भी हो, एक आदमी को कमाई से कुछ नहीं होने वाला है, समझ सकते हैं। तो ये हमारे साथ आरती जी हैं जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे, ये आरती मशीन उद्योग के नाम से इनका इंडस्ट्री है, जिसके माध्यम में यहाँ पर देखिए ये पूरा लगाए हुए है बैनर भी, वहाँ भी दिखा दीजिए। तो बाकी इनसे मिल करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और इस बात का गर्व हो रहा है कि महिला होकर के इतना कुछ कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, और ख़ास करके पुरुष क्यों नहीं कर सकता है, ये महिला होकर के इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ा कर दी, तो आप मशीन लगा करके क्यों नहीं आप लोग हजारों लाखों कमा सकते हैं। तो ये आरती जी का मैं स्टोरी बता रहा था, हालांकि मैं अभी कोलकाता में हूँ और कोलकाता में ये रहती भी हैं, यहीं पर मैं आया हुआ था तो इनसे मिला, और मिलने के बाद इनके बारे में मैं दिखाया, तो ये जो है सारे मशीन आपने देखा, आपको कैसा लगा आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और हाँ अगर आपको मशीनें चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये आपके घर तक अपने मशीन पहुंचा देंगे, बस आप लोग एक बार भरोसा कीजिए, है ना? एकदम अच्छा बिगड़ जाएगा तो बनाइएगा। हाँ एकदम, टेक्नीशियन को हम लोग भेजते हैं, देखिए मेरा सर्विसिंग कहीं भी है मशीन जाती है, मैं आज भी आपको स्क्रीन पर आपको माध्यम से मैं बोल भी रही हूँ कि मतलब आपको वीडियो में कि हमारे मशीन जहाँ भी जाती है मैं 3 से 3 दिन का टाइम लेती हूँ, 3 से 4 दिन में आपके पास टेक्नीशियन चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप जीरो, बहुत जन क्या होता है कि मशीन भेज देते हैं, एक एक दो दो महीना हो जाता है, टेक्नीशियन ही नहीं बनते हैं, मशीन सेटल नहीं करवाते हैं, इंस्टॉल नहीं करवाते हैं, जिसको जरूरत है वो मेरे पास कॉल करें, बात करें, उनको जितना मेरे से सपोर्ट होगा मैं पूरा उनको करूँगी। मैं भी एक लेडीज हूँ, देखिए आदमी स्टार्टिंग से जो उठता है उसको पता होता है, ठीक है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर हो मशीन मतलब अगर उनको चाहिए और क्या उनको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, उनकी पूरी सपोर्ट मेरे तरफ से रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, तो आप देख रहे थे ये आरती जी का स्टोरी, आपको कैसा लगा आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।